हाय गाइस, वेलकम टू टेलिस्ट ऑफ न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपार इंडस्ट्रीज कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में, अगर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है और हमारे टारगेट्स क्या रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें अपार इंडस्ट्रीज की, तो आज तकरीबन 3% की तेज़ी हमें स्टॉक में देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो कारोबार कर रहे हैं 8,862 के लेवल पर। पहली बता दूं, इस स्टॉक ने पिछले 2 साल में 10x रिटर्न दिया है, यानी ये एक मल्टीवैगर स्टॉक है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप है 35,595 करोड़ का। करंट प्राइस जिस पर कंपनी कारोबार कर रही है 8,862 रुपये। 52-week हाई है 8,897 और 52-week लो है 3,303। स्टॉक PE 43 के आसपास है। बुक वैल्यू 965 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.45% है। ROCE बेहतरीन है, ROE बेहतरीन है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में 15% के हिसाब से कंपनी ने ग्रो किया है सेल्स के मैटर में। अगर पिछले 3 साल को देखें तो कंपनी की सेल्स 36% के हिसाब से ग्रो हुई है। EPS 205 रुपये है। इंडस्ट्री PE 66 के आसपास है। अगर इंडस्ट्री PE के हिसाब से देखें तो कंपनी के शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। डेप्ट 476 करोड़ है, पर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो कंपनी पर डेप्ट का कोई भी दबाव नहीं है। PEG रेशो 0.97, यानी जो कंपनी के शेयर प्राइस है अभी भी अंडर वैल्यूड है। प्रमोटर्स होल्डिंग 57-58% के करीब है। ग्राम नंबर के हिसाब से जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। अब हम आते हैं कंपनी के क्वार्टर्स पे। आप देखोगे कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है। एक भी ऐसा क्वार्टर दिखाई नहीं देगा जहाँ कंपनी ने लॉस किया हो। सेल्स भी कंपनी की लगातार इंक्रीज हो रही है। अगर आप प्रॉफिट और लॉस का देखोगे तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, जो कंपनी के जो शेयर प्राइस में बूम आया वो 2022 के बाद से आया। आप देखोगे लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। आप देखोगे 2022 में जो नेट प्रॉफिट था वो 257 करोड़ का था, जो कि 2023 में बढ़कर 638 करोड़ और 2024 में बढ़कर 825 करोड़। वहीं आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 2022 तक सिर्फ 6% था, 2023 और 2024 में 9%। भाई अगर आप देखोगे सेल्स भी लगातार बढ़ रही हैं, यानी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और रेगुलर प्रॉफिट भी बना रही है और कंपनी लगातार अपने रिजर्व्स भी बढ़ा रही है। कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो 57% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FIIs और DIIs भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। FIIs की जो होल्डिंग है वो 11.5% है और DIIs की होल्डिंग जो है वो 19% है अपार इंडस्ट्रीज में। वहीं पब्लिक के पास तकरीबन 12% की होल्डिंग है। अब हम आते हैं कंपनी के शेयर प्राइस पे। पिछले 1 साल में तकरीबन 153% का रिटर्न हमें देखने को मिला है। वहीं अगर हम पिछले 2 साल में आपको दिखाऊं, हम आ जाते हैं यहाँ। आप देखोगे 3 साल 5 साल, ये आप देखो 630 20 मई के आसपास जो कंपनी के शेयर प्राइस थे 630 20 मई 2022। भाई आप देखोगे फिलहाल 8,861, यानी 2 साल के अंदर ही 10x 12x कंपनी ने मतलब कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। लगातार कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स बेहतरीन है। लगातार आप देखोगे अगर हम इसका चार्ट भी देखें तो लगातार अब ट्रेंड में ही आपको दिखाई देगा। चाहे आप वीकली बेसिस पे देखो, ये पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं लगातार अप ट्रेंड पे है। जो फिलहाल वो आपके सामने चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम पर है और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा टारगेट बन रहा है वो बन रहा है आपका 9200 के आसपास, यानी 9200 के आसपास। फिलहाल आप देख रहे हो जो 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट है वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और जो आप ये बड़ी सी रेड कैंडल देख रहे हो ये इलेक्शन वाले दिन की है। देखोगे आप 4 जून दिखाई दे रहा है, ये 4 जून की कैंडल है जो एकदम आप देखोगे मार्क जो कंपनी के शेयर प्राइस कहाँ से 8,043 के लेवल से कहाँ तक आए थे 6,583 के लेवल तक। उसके बाद आप देखोगे अच्छा रिकवर किया है। फिलहाल जो कंपनी के जो शेयर प्राइस वो कारोबार कर रहे हैं वो 8,862 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। जो हमें यहाँ से टारगेट दिखाई दे रहा है वो 9,200 का दिखाई दे रहा है अपार इंडस्ट्रीज के अंदर।
पहले बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।